आर यू अ माउंटेन पर्सन और अ बीच पर्सन? खैर जो भी हो, अगर आप गैंगटॉक आओगे तो आप माउंटेन पर्सन तो पक्का बन जाओगे। खूबसूरत सफ़र, ऊंचे पहाड़, हंसते हुए चेहरे और स्वादिष्ट खाना, गैंगटॉक में आपको सब मिल जाएगा। मेरे दो दिन यहाँ कैसे चले गए मुझे तो पता ही नहीं चला। तो आइए मेरे साथ और देखिए गैंगटॉक मेरी नज़रों से। वेलकम बैक टू माई चैनल गोलगप्पा गर्ल। आई एम पूजा और मैं हूँ गैंगटॉक सिक्किम में। आई एम सो एक्साइटेड टू बी हियर। मैं आपको बता दूँ, जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने फर्स्ट वीडियोज जो डाले थे वो सिक्किम से थे, और तब मैं ऐसे ही थोड़ा घूमने आई थी, टाइम पास के लिए शूट कर रही थी। बट दिस टाइम आई एम हियर टू ट्राई ऑल द डिलिशियस फूड्स, और मैं आपको बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी दिखाने वाली हूँ। आज हमारा ब्रेकफास्ट करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ वेयर आई एम स्टेइंग एट। आई एम स्टेइंग एट दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड गोल्डन क्रेस्ट। ये देवराली मार्केट में आता है, MG मार्ग से 3 किलोमीटर्स दूर है। एंड दिस रूम जो आप देख रहे हो कॉस्ट 2,000 रुपीज फॉर वन नाइट। आई थिंक इट्स प्रीटी डिसेंट, हम लोग को वही रेंज में चाहिए था। इट्स अ 3-स्टार होटल, दिस इज विदाउट ब्रेकफास्ट। विद ब्रेकफास्ट 2,300 और 2,500 तक आपको पड़ेगा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाय हैविंग सम ब्रेकफास्ट बिकॉज आई एम वेरी हंग्री। वी आर एट MG मार्ग, लेट्स गो एंड ईट समथिंग। शुरुआत हम करने वाले हैं बाय कमिंग टू अगरवाल्स। ये जो जॉइंट है, छोटा सा जॉइंट, यहाँ पे आपको स्वीट्स, स्नैक्स और ब्रेकफास्ट आइटम्स मिल जाते हैं। और ये जॉइंट यहाँ पर 2000 से है। मैं एक बार आपको इनका मेन्यू दिखा दूँ। लुक एट देयर मेन्यू, यू हैव साउथ इंडियन ऑप्शंस, यू हैव मोमोज, देन बहुत सारे ब्रेकफास्ट ऑप्शंस हैं। सो लॉट्स ऑफ स्टफ हियर। यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है आलू दम पूरी एंड सेल रोटी, लेट मी शो यू। तो एक चीज़ जो यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है वो है ये पूरी आलू दम, और हम यहाँ पर एक स्पेशलिटी यहाँ की ट्राई कर रहे हैं जो है सेल रोटी एंड सम चाय। एक प्लेट में आपको 4 पूरीज मिलती हैं, और यहाँ पे आलू दम की क्वांटिटी भी देखिए काफ़ी ऐसे अच्छी है। यहाँ पे वैसे ऐसे बैठने की कोई जगह नहीं है, ऐसे 4 टेबल्स लगी हुई हैं एंड यू हैव टू जस्ट स्टैंड एंड ईट। ओ माई गॉड, एकदम फुली हुई पूरी। यहाँ पर थोड़ा अचार है। अभी आलू दम आप देखेंगे एकदम ड्राई प्रिपरेशन है, आलू टमाटर की पेस्ट में बनी हुई है। फिर ऊपर से उन्होंने थोड़ा भुजिया और चाट मसाला भी डाला। बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है ये गाइज। लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। ओ वाओ, आलू की जो मिठास होती है उसका क्या स्वाद आ रहा है। फ्लेवर्स इतने कमाल के हैं। ये जो पूरी है मैं थोड़ी रुखी खाऊंगी। फ्राइड टू परफेक्शन, क्रिस्पी, नाइस पूरीस। ये जो आलू दम है इसमें मस्टर्ड सीड्स डाले हुए हैं, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसका अच्छा स्वाद आ रहा है। इसमें कश्मीरी जो रेड चिलीज होते हैं वो भी डाले गए हैं। इट्स नॉट स्पाइसी बट इट्स वेरी नाइस। देन करी लीव्स डाले हुए हैं, और जब आप ये अचार के साथ खाओगे वेरी गुड। जो ड्राई पेस्ट यूज़ की है अनियन टमेटो की, उसका अच्छा स्वाद आ रहा है। ये अचार इतनी खट्टी, इतनी मस्त है, मिक्स्ड अचार है। नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई दिस सेल रोटी। इसके बारे में मैंने बहुत सुना है बट ये मेरा फर्स्ट टाइम रहेगा ये ट्राई करने का। ये है क्रिस्पी एंड फ्राइड सेल रोटी विद द स्वीट ब्रेड। ये एक्चुअली नेपाल में ओरिजिनेट हुई थी। ये राइस से बनती है, राइस और पानी के साथ, और इसमें थोड़े थोड़े स्पाइसेस भी यूज़ होते हैं। इसका टेक्सचर हल्का सा चूई है बट ये ओवर स्वीट नहीं है। सो द ओनर हियर वाज टेलिंग अस कि आप ये आलू दम के साथ खाओगे तो बहुत अच्छा टेस्ट करेगा। सो ईटिंग दिस विद सम आलू दम, वाओ, बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है। हल्का सा स्वीटनेस आ रहा है, फिर जो आलू दम है उसके स्पाइसेस थोड़े थोड़े हिट कर रहे हैं। थोड़े थोड़े अब इसलिए हिट कर रहे हैं क्योंकि मैं एक मीठी ब्रेड के साथ खा रही हूँ। इसमें थोड़े थोड़े स्पाइसेस का भी फ्लेवर आ रहा है, जैसे इलायची हो गया, लौंग हो गया, थोड़ा दालचीनी हो गया। अंदर से एकदम सॉफ्ट है ये, फ्राइड टू परफेक्शन। बहुत मज़ा आया यहाँ पर ब्रेकफास्ट करके। वी हैव टी ऑल्सो। चाय पत्ती कम है पर नाइस।
आज की जो नेक्स्ट प्लेस हम आए हैं वो भी MG मार्ग पर ही है, शफल मोमोज करके ये एक कैफ़े है। एक्चुअली जब आप सर्च करेंगे बेस्ट मोमोज इन सिक्किम तो ये शफल मोमोज करके ऐसे सबसे टॉप पे आता है। एंड मुझे लगा ऐसे छोटा सा जॉइंट होगा, बट नो, दिस इज़ अ फुल फ्लेज्ड प्रॉपर कैफे विच सच क्वर्की इंटीरियर्स। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस विच आई डिडंट नो एंड आई डिडंट एक्सपेक्ट एट ऑल इज द व्यू। द व्यू फ्रॉम हियर इज सो गुड। ऐसे नीचे पूरा हसल बसल है और सामने एकदम पहाड़ दिख रहे हैं। द व्यू इज अमेजिंग। मौसम तो इतना अच्छा है, द बेस्ट टाइम टू हैव मोमोज। मैं आपको इनका मेन्यू दिखा दूँ। दे हैव अ वेज एंड नॉन वेज मेन्यू और थोड़े ड्रिंक्स में भी ऑप्शन हैं। मैं बहुत कन्फ्यूज थी कि मैं क्या खाऊँ। मुझे ऐसे लग रहा था मैं ये भी खाऊँ वो भी खाऊँ, तो मैंने क्या किया, मैंने इनका एक कॉम्बो ही ऑर्डर कर लिया, अ चिकन कॉम्बो। नाउ प्राइस वाइज ये मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है। दिस इज़ फॉर 309 रुपीज़, जिसमें आपको मिलते हैं चिकन चाउमीन, 6 पीसेज ऑफ चिकन मोमो विच लुक अमेजिंग बाय द वे, 2 चिकन स्ट्रिप्स एंड हियर वी हैव सम सैलेड एंड चटनी। आपने एक बार ये मोमोस की शेप देखी है, रैपिंग देखी है, कितनी अलग और अच्छी दिख रही है। दिखने से ही लग रहा है कि काफ़ी पतली है, काफ़ी मॉइस्ट लग रहे हैं। लेट्स स्टार्ट ईटिंग। आई एम गोइंग टू डिप इट इन दिस चटनी। वैसे मोमोस इज़ एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ सिक्किम। एवरी होम किचन एंड कॉर्नर हैज़ मोमोस एंड आई एम गोइंग टू ट्राई दिस। सो जूसी, अंदर इतना टेंडर है। वाओ, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये जो लेयर है मोमो की एकदम पतली, और अंदर आप फिलिंग देखिए कितनी जेनरस है। आपको यहीं पे दिखेगा कि लेयर कितनी पतली है। अंदर डाला हुआ है स्प्रिंग अनियन, लॉट्स ऑफ चिकन एंड अनियन एंड सॉल्ट। इट्स नॉट स्पाइसी। ये मोमो इतना मॉइस्ट, इतना जूसी है एंड दिस चटनी हैज़ गुड टेस्ट ऑफ गार्लिक। इट्स नॉट स्पाइसी। वेरी नाइस, वेरी जूसी, चटनी भी काफ़ी अच्छी है, गार्लिक का एक अच्छा पंच है। अभी हम ट्राई करने वाले हैं चाउमीन। दिस इज़ चिकन चाउमीन विथ लोड्स ऑफ वेजिटेबल्स। अंडे की अच्छी टेस्ट आ रही है इसमें। चिकन, श्रेडेड चिकन डाली हुई है। देन देयर इज कैबेज, कैप्सिकम, अनियन, कैरेट। वेरी नाइस, जस्ट हाउ चाउमीन शुड बी। नथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आई वुड से। And finally, I'm going to try these chicken strips, which are deep fried. Look at these. These are like thin, crispy chicken. Oh wow! ये मुझे चाउमीन से भी ज़्यादा अच्छी लगी. So nice. Very crispy, fried to perfection. Loved it. वैसे सिक्किम आके ना एक ही जगह पे मोमोज खाने से पेट तो भरता नहीं है। सो वी आर गोइंग टू ट्राई कि हम एक और मोमो की प्लेस करें। प्रॉबेबली वील डू वेज मोमोज इधर टुडे और टुमारो। सो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको मैं वेज मोमोज भी दिखाऊं। एंड आई ऑल्सो टेल यू कि सिक्किम में मोमोज कैसे आए थे, बट मैं वो जगह पर आपको बताऊँगी। एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू एन्जॉय दिस। इतने डिलीशियस मोमोज खाने के बाद हमारा पेट एक्चुअली काफ़ी फुल हो गया है, तो अभी हम थोड़ा साइट सीइंग के लिए निकल रहे हैं। आई एम गोइंग टू टेक यू अलॉन्ग विथ मी। यहाँ से एक वाटरफॉल्स है 7 to 8 किलोमीटर्स दूर, हम वहाँ पर जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू डू अ बिट ऑफ साइट सीइंग फॉर द नेक्स्ट 2-3 आवर्स। लेट्स गो। वैसे अगर आप यहाँ पे प्राइवेट कार रेंट करेंगे तो आपको कितना लगेगा, वो सब की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। हाय। Us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. So, yeah, this is Baktang Waterfalls, 20 minutes a drive from Gangtok. The water is crystal clear. I love the natural sound of this waterfall. यहाँ की बेस्ट बात क्या है ना, आप ये ऐसी छोटी सी ब्रिज है, आप देख सकते हो ऐसे ब्रिज है, यहाँ पर रुक के आप फोटोज निकलवा सकते हो, यू कैन एन्जॉय द वाटरफॉल। एंड इफ़ यू लुक फ्रॉम हियर टूवर्ड्स माई राइट, यहाँ पर जिप लाइन होता है और वहाँ पर देखिए कितना प्यारा सा व्यू है। यू कैन सी गैंगटॉक फ्रॉम हियर। यू शुड डेफिनेटली कम हियर, विटनेस द वाटरफॉल। यहाँ पर आके फ्रूट्स खाइए, जिप लाइन कीजिए या जस्ट चिल कीजिए, ट्रेडिशनल आउटफिट पहनिए, कुछ भी कर सकते हो आप। यहाँ पे हम फ्रूट्स खा रहे हैं अभी,
50 में आपको मिक्स फ्रूट मिलता है, मस्त वाटरफॉल की आवाज के साथ हम खा रहे हैं। After Baktang Falls, now we have come to Tashi Viewpoint, 7 kilometers from Gangtok City, और यहाँ से आपको मिलता है panoramic view of Gangtok. यहाँ से आपको हिमालयन पहाड़ दिखते हैं एंड इफ यू आर लकी एंड इफ द वेदर इज क्लियर आप यहाँ से कंचनजंगा पीक भी देख सकते हो. द व्यू फ्रॉम हियर इज अमेजिंग. यहाँ पे आप आइए, खाइए, व्यू एंजॉय कीजिए, थोड़ी शॉपिंग भी कर सकते हैं इनकेस आपको सोवेनियर्स चाहिए. हमारा दिन तो काफ़ी अच्छा जा रहा है और मैं जो नेक्स्ट पॉइंट पर आई हूँ इसके लिए मैं इतनी एक्साइटेड हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गैंगटॉक आई थी आई कुडंट डू इट एंड आई हैव हर्ड सो मच अबाउट इट. हम लोग जाने वाले हैं गैंगटॉक रोपवे. इट्स अ केबल कार जहाँ से आपको पहाड़ दिखते हैं, गैंगटॉक का पूरा शहर दिखता है. इट्स लाइक अ बर्ड्स आई व्यू फॉर वॉचिंग गैंगटॉक. लेट्स गो. हम लोग ने अभी टिकट ले ली है. 130 rupees पर पर्सन टिकट होती है टू एंड फ्रो एंड वी आर क्वाइट एक्साइटेड. चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि रोपवे से आपको क्या व्यूज़ दिखते हैं. अभी ने इतने अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स देखने के बाद हमको ना भूख लग रही थी तो हम फिर से एमजी मार्ग पर आ गए हैं. आज की जो नेक्स्ट प्लेस हम आए हैं वो है रोल हाउस. दिस प्लेस इज हियर सिंस 2001 और यहाँ पे आपको सिर्फ वेजिटेरियन फूड मिलता है. यहाँ के रोल्स एंड मोमोज आर वेरी वेरी पॉपुलर, स्पेशली इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन. दिस प्लेस इज़ गोइंग टू बी हेवन फॉर यू. और यहाँ पे मैंने अपने लिए एक रोल ले लिया है. दिस इज़ अ पनीर हॉट गार्लिक रोल. तो आप देखेंगे वेरी सिंपल प्रिपरेशन, अंदर सिर्फ है कैबेज, पनीर एंड रैप्ड इनसाइड दिस रोल. इनका ना मेन्यू काफ़ी इलेबरेट है. लाइक मोमोज में तो इतने ऑप्शंस हैं कि अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो आप सोचेंगे यार वेज मोमोज में इतने ऑप्शंस नहीं होते, बट यहाँ पे आपको इतने ऑप्शंस मिलेंगे कि आप खा खा के थक जाओगे. चलो लेट्स ट्राई दिस फर्स्ट. हल्का सा फर्स्ट बाइट में मुझे ड्राई लगा, एक और बाइट लेके देखती हूँ. बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन है बट टेस्ट वाइज काफ़ी अच्छा है. ये मैदे की रोटी है, इसके अंदर क्रंची कैबेज डाला हुआ है, एक अच्छा सा क्रंची टेक्सचर ला रहा है वो. फिर पनीर के ऐसे बड़े बड़े पीसेस हैं और हॉट गार्लिक एक सॉस डाली हुई है जिससे एक अच्छा गार्लिकी विनेगर ऐसा टेस्ट आ रहा है. जो पनीर है उसका टेस्ट ऐसा थोड़ा थोड़ा नॉर्थ इंडियन टाइप आ रहा है और जो सॉस डाली गई है उसका चाइनीज़ टाइप टेस्ट आ रहा है. और ये जो रोटी है हल्की सी मोटी है, मतलब एक्चुअली परफेक्ट है, इतनी भी मोटी नहीं है. वेरी डिसेंट. वैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आज या कल में वेज मोमोज भी दिखाऊंगी. आई डिडंट नो वो इतना जल्दी आ जाएगा. दीज आर सम कॉर्न एंड चीज़ मोमोज. वैसे मोमोज जो हैं वो टिबेट में बने थे एंड बहुत साल पहले व्हेन टिबेटन्स केम टू सिक्किम तो यहाँ पे भी ऐसे मोमोज आ गए. मोमोज वर एक्चुअली इंट्रोड्यूस ताकि कोल्ड वेदर में कुछ ऐसा खाना था टिबेटन्स को जैसे उनको वार्म लगे. सो दे टुक अप डो, उसमें उन्होंने याक मीट डाला एंड दे मेड दीज मोमोज एंड सिंस देन Everything is a history. Oh wow! मैं कॉर्न चीज मोमोज काफी टाइम बाद खा रही हूँ. इट्स नाइस. एक बार मैं आपको फिलिंग दिखा दूँ खोल के. एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूँ कि जो लेयर है ये बिल्कुल भी थिन नहीं है.
और मुझे एक्चुअली बहुत मैदे मैदे की टेस्ट आ रही है। अंदर देखिए ढेर सारे कॉर्न चीज कैबेज डाला हुआ है। ये चटनी बहुत अच्छी है, मतलब दिस चटनी इज द बॉम्ब, दिस चिली गार्लिक चटनी टेस्ट सो गुड। द नेक्स्ट प्लेस दैट वी हैव कम टू इज़ हमरो भानसाघर। ये एक्चुअली मुझे यहाँ पे एक लोकल ने सजेस्ट किया कि यहाँ पर आके मैं कुछ चाइनीज़ या यहाँ का लोकल फूड ट्राई करूँ। सो आई हैव ऑर्डर्ड सम थुक्पा। थुक्पा मैं इतने टाइम बाद खा रही हूँ, जस्ट लुक एट दिस। हियर वी हैव सम वेज थुक्पा। थुक्पा बेसिकली एक टिबेटन नूडल सूप होता है। सो लॉट्स ऑफ नूडल्स हियर, लॉट्स ऑफ वेजीज एंड दिस कम्फर्टिंग सूप। जस्ट गोइंग टू मिक्स इट ऑल वेल। Oh my god, it's hot, it's comforting, and some of the flavors are very strong. इसमें जिंजर एंड गार्लिक दोनों का इतना एक स्ट्रॉन्ग और प्लेजेंट टेस्ट आ रहा है। द नूडल्स आर थिक, धनिया बहुत सारा डाला हुआ है, एंड इन वेजिटेबल्स आई कैन सी सम कैरेट, कैप्सिकम, लव दिस। ऑब्वियसली इसमें कुछ इतना स्पाइसी नहीं है। ये जो सूप है इसमें थोड़े ऐसे स्पाइसेस डाले हुए हैं। जो नेक्स्ट चीज़ हम ट्राई कर रहे हैं वो एक टिबेटन लोकल सैलड है। दिस इज़ कॉल्ड सादेको, चिकन सादेको। इसमें आपको वेज भी मिलता है, यू ऑल्सो गेट पोक, मटन, बीफ, यू गेट ऑल द वेरिएशंस हियर, बट वी टुक चिकन सादेको। सादेको बेसिकली मीन्स टू मैरिनेट इन टिबेट, बट दिस इज़ अ सैलड। तो मुझे बहुत सारा कैरेट दिख रहा है इसमें, श्रेडेड चिकन दिख रहा है, देन कैबेज, क्यूकम्बर्स दिख रहे हैं मुझे, एंड इट स्मेल्स रियली गुड। इट्स सुपर फ्लेवरफुल। ड्रेसिंग बहुत अच्छे से की गई है। इट इज़ अ लिटिल स्पाइसी, हल्का सा बिटर। इसमें बॉयल्ड श्रेडेड चिकन डाला हुआ है विच इज़ टेंडर एंड यमी। विनेगर डाला हुआ है इसमें, देन आई कैन ऑल्सो सी सम ग्रीन चिलीज, देन बहुत सारे वेजीज डाले हुए हैं लाइक अनियन, कैरेट। Very nice. I don't know how it's supposed to taste like, but ये specific dish यहाँ पे हल्की सी मुझे हल्की सी spicy, हल्की सी bitter और बहुत सारा vinegar का taste आ रहा है मुझे। Not bad. Will go well with thukpa. आज की जो लास्ट प्लेस हम आए हैं वो है वाईपीस। यहाँ पे आपको बेकरी आइटम्स मिल जाएंगे लाइक बंस, रोल्स, ऐसे स्नैक्स टाइप, एंड यू गेट अ लॉट ऑफ पेस्ट्री ऑप्शंस हियर। गाइस यहाँ पे इतने लोग पेस्ट्री खा रहे थे दैट आई थॉट आई विल एंड माय डे बाय हैविंग समथिंग स्वीट, जस्ट लुक एट दिस। तो यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री बहुत लोग खा रहे थे, एंड ऑल्सो दिस इज कॉल्ड मिल्क क्रंच। इट्स लाइक अ मिल्की पेस्ट्री, बहुत सारा क्रीम है ये पेस्ट्री में। आई डोंट नो व्हाई इज इट कॉल्ड क्रंच, खा के देखते हैं। And we also have some chai here. Very milky. It's called milk crunch because इसमें white chocolate के ऐसे crunch डाले हुए हैं। ये pastry बहुत moist है but मेरे लिए बहुत 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 sweet है to be honest. These are like small white chocolates, like tidbits type, and they are bringing a nice crunch texture. Overall एक बहुत ही simple pastry है जिसमें बहुत सारा cream है and some chai. Oh wow, ये ना मेरे दिन की पहली अच्छी चाय है। एकदम proper proportion of milk, water. खाली बहुत ज़्यादा foam है। आज का दिन हम करते हैं एंड आई एम गोइंग टू सी यू टुमारो, क्योंकि कल भी हम बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस जाएंगे और भी बहुत सारा फूड खाएंगे। सो सी यू टुमारो। गुड मॉर्निंग। हम लोग अभी निकल पड़े हैं गैंगटॉक से टू गो टू सोंगमो लेक एंड बाबा मंदिर। हम लोग ने यहाँ पे छोटा सा पिट स्टॉप लिया है बिफोर वी रीच एट अ पॉइंट जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे। हमने पुलिस चेक पोस्ट भी क्रॉस कर लिया है। बेसिकली यू नीड सम परमिट्स
टू गो टू सोंगमो लेक नथुला पास एंड ऑल ऑफ दैट. आपका टैक्सी ड्राइवर ही आपको बताएगा कि परमिट्स ये सब कैसे होते हैं. यहाँ पे हम रुके हैं क्योंकि पीछे व्यू इतना अच्छा है. लेट मी शो यू. सो यहाँ से ये बर्फीले पहाड़ दिख रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे. बट चलिए, नाउ वी आर वेरी हंग्री, वी नीड टू गो ईट समथिंग. देखिए कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं. जो कैफ़े है यहाँ पे आपको मोमोज, ब्रेड ऑमलेट और मैगी मिल जाएंगे. ऑल द फूड आइटम्स जो आप ठंड में खाना पसंद करेंगे. तो हमने एक ब्रेड ऑमलेट और एक मैगी ले लिए. ये देखिए, दिस इज़ द ब्रेड ऑमलेट. ये दो ब्रेड के बाहर ऑमलेट है, वैसे अंदर होता है, यहाँ पे बाहर है. वेरी नाइस, मज़ा आया ठंड में खाने में. वैसे आपको ऑन द गो यही सब खाना मिलेगा, ब्रेड ऑमलेट, मोमोज, मैगी, चाउमीन, यही सब. और लंच के टाइम पे दाल राइस, एकदम सिंपल फूड. पर ऐसी जगहों पे, ऐसे मौसम में यही खाने का मज़ा आता है. सो अभी टाइम है मैगी खाने का. क्या गर्मा गर्म मैगी लग रही है ये, एकदम प्लेन मैगी ली है हमने. पहाड़ों पे आके ना मैगी खाने का मज़ा ही अलग होता है. यम्मी, कंफर्टिंग लगता है, पता है, ऐसे मौसम में. हम लोग अभी फाइनली आ गए हैं बाबा हरभजन श्राइन. ये 14,000 फीट के भी ऊपर आता है, वेरी क्लोज टू नथुला पास. नथुला पास बेसिकली इंडिया चाइना का बॉर्डर है. दिस इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू नथुला पास. तो यहाँ पे बहुत सारी मिलिट्री फोर्स मिलेगी आपको. एंड यहाँ पर आने का ना फील ही कुछ अलग है. हरभजन सिंह एक्चुअली एक सिपाही थे, एंड आफ्टर ही डाइड देयर इज़ अ बिलीव के यहाँ पे उनके नाम पे एक श्राइन बनाया गया था, जहाँ पे एक होली वाटर रखा गया है. माना जाता है कि वो होली वाटर जो भी कंज्यूम करता है, दे गेट वेल विदिन अ पीरियड ऑफ 21 डेज इट्स टू बी कंज्यूम्ड. बट यहाँ पे आने का ना फील ही कुछ अलग है. मतलब अब जैसे यहाँ पे आओगे, इतना बड़ा झंडा लहरा रहा है, पेट्रियोटिक गाने चलते हैं, यू विल सी अ लॉट ऑफ मिलिट्री फोर्स. इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर. एंड आई विल शो यू वन मोर थिंग. एक्चुअली अभी के टाइम पे यहाँ पे 12 बजे हैं, ठीक है. बट क्योंकि हम चाइना के एकदम बाजू में हैं, देखिए एक्चुअल टाइम मुंबई का ये है 12:45, बट मेरे फ़ोन का टाइम हो गया है 3:14, क्योंकि हम चाइना के बाजू में हैं. यहाँ पे आपको डेफिनेटली आना चाहिए, आपको नथुला पास भी जाना चाहिए. हम नथुला पास नहीं गए क्योंकि मैं लास्ट टाइम गई थी, सो आई डिडंट वांट टू गो देयर. बट यू मस्ट डेफिनेटली डू ऑल दीज प्लेसेस. हम लोग ने बाबा मंदिर देख लिया है और इतने खूबसूरत नज़ारे देखे हमने. आपने वो पूरा देखा होगा, दैट वाज द रोड जर्नी. हम लोग एक्चुअली गैंगटॉक जाने के पहले यहाँ पे फिर से वही जगह पे हॉल्ट ले रहे हैं जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि हम लंच करने वाले हैं. हमको नीचे पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम हो जाएगा, तो हमने सोचा कि हम लंच यहीं पर कर लेते हैं. यहाँ पर लंच के लिए भी प्रीटी मच सेम ऑप्शन है, जस्ट यहाँ पर दाल चावल और एक लोकल आइटम मिलता है कॉल खुश, तो वो हम ट्राई करने वाले हैं. ये देखिए इसको क्या कहते हैं, वो मैं नीचे लिख लूँगी बिकॉज आई डोंट नो अबाउट इट. यहाँ पे एक फुटेज डाल रही हूँ कि ये रॉ कैसी लगती है. एंड हियर वी हैव सम दाल राइस एंड पापड़. तो ये हम लंच के लिए खाने वाले हैं. सुबह मुझे ब्रेड ऑमलेट काफ़ी अच्छा लगा था, तो थोड़ा सा मैंने ब्रेड ऑमलेट भी एक्स्ट्रा ले लिया है. और नवीन खाने वाला है फ्राइड राइस, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी. दाल में अनियन डाला हुआ है, फिर मुझे कश्मीरी रेड चिलीज़ दिख रहे हैं, थोड़े मसाले, अनियन भी डाला हुआ है. ये दाल देखिए पूरी तरीके से ऐसे मैश नहीं की गई है. लेट्स टेक इट.
वेरी सिंपल, कुछ फ्लेवर नहीं, सिर्फ नमक डाला हुआ है दाल में। हालांकि कश्मीरी रेड चिली डाला हुआ है बट उसका कुछ इतना फ्लेवर नहीं है। अब मैं ये ट्राई करूँगी, ये मैं थोड़े चावल के साथ खाऊंगी। ये वेज है बट इसको ऐसे मीट के साथ भी बनाया जाता है। इसका टेस्ट ना काफ़ी ज़्यादा कद्दू जैसा है, बहुत अच्छा है। ये जो ड्राई प्रिपरेशन है इसका जो फ्लेवर है हल्का सा इनफैक्ट स्वीट है। इसको बस थोड़े ऑयल में कैबेज और मसालों के साथ बनाया गया है। यहाँ पे आ गए हमारे फ्राइड राइस। इसमें मुझे बहुत सारे वेजिटेबल्स दिख रहे हैं। इनफैक्ट ये चाइनीज से ज़्यादा थोड़ा इंडियन प्रिपरेशन लग रहा है मुझे, खा के देखते हैं। एकदम देसी, सोया सॉस, चिली सॉस, लॉट्स ऑफ वेजीज एंड गार्लिक, दैट्स इट। राइस ऐसे थोड़ी स्टिकी स्टिकी है, कैरेट बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, नथिंग स्पाइसी। Sick and tired of the 9-to-5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. खूबसूरत सफ़र देखने के बाद अभी हमें लग रही है भूख, तो अभी मैं आ गई हूँ टेस्ट ऑफ टिबेट में। यहाँ का टिबेटन फूड इज़ क्वाइट पॉपुलर पूरे सिक्किम में, एंड यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं एक टिबेटन डिश खाऊंगी, बट यहाँ का चाइनीज़ फूड भी काफ़ी पॉपुलर है। एंड जैसे ही आप यहाँ पे आके बैठते हो आपको टेबल पे ये सैलेड मिल जाता है रेडिश का, और हर टेबल पर ये चिली सॉस, सोया सॉस और सॉल्ट रखा हुआ है। व्हाट वी हैव ऑर्डर्ड हियर इज़ दिस टिबेटन डिश। अगेन मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। इसको बोलते हैं सफाले। तो सफाले क्या होता है, ये एक फ्राइड पाई होता है जिसके अंदर मीट की स्टफिंग होती है, जिसे आप इसके अंदर देखेंगे तो चिकन की स्टफिंग है, सम स्पाइसेस, अनियन, और बाहर जो लेयर है वेरी मच लाइक जैसे मोमो की लेयर होती है, मैदे से बनती है। ये हम थोड़ी चिली सॉस के साथ खाएंगे। इसके अंदर पूरा मिंस्ड चिकन डाला हुआ है, लाइक एकदम मिंस्ड मीट, पूरा ऐसे कीमा कैसे होता है वैसा। बहुत सारा इसमें अनियन डाला हुआ है, ब्लैक पेपर, और ये जो लेयर है काफ़ी थिक है। मेरे को ये लेयर काफ़ी ज़्यादा मोमोज जैसी लग रही है, इट्स जस्ट फ्राइड मोमो कैसा होता है वैसा। इनकी चटनी एकदम चिली सॉस जैसी है, मतलब एकदम सिर्फ तीखी चिलीज का स्वाद ऐसा। इसमें ना गार्लिक बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, तो गार्लिक का एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। देन इवन दो इट्स फ्राइड, ये ना थोड़ा लाइट है, इतना ऐसा हैवी नहीं लग रहा है। अनियंस है ना कम्प्लीटली कैरमलाइज्ड है, एंड दिस इज स्टफ्ड जेनरसली, वेरी नाइस। दिस इज सम मशरूम चिली, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये एकदम ऐसा बेसिक चाइनीज स्टार्टर लग रहा है, नाइस। जो मशरूम्स हैं बटन मशरूम्स हैं, ये दिखने में मुझे ऐसे लग रहा था कि मशरूम्स बहुत क्रिस्पी होंगे, बट दीज आर नॉट रियली क्रिस्पी, दीज आर लाइक स्टर फ्राइड इन सॉसेस एंड थोड़ा सा बैटर। ये ना कुछ इतना स्पाइसी नहीं है, इनफैक्ट जो चिली सॉस डाली हुई है वो हल्की सी खट्टी है, कोई भी फ्लेवर ओवरपावरिंग नहीं है। शेजवान का जो टेस्ट होता है वो फिर भी ज़्यादा आ रहा है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द अदर सॉसेस, बट हम जो ट्राई करने आए थे वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। ये पक्का ट्राई करना। Here we actually saw this board जहाँ पे लिखा हुआ था Tibetan tea, and हमने सोचा कि हम Tibetan tea भी order करते हैं। Usually Tibetan tea जो होती है उसमें salt और butter पड़ता है, that is how it's different, but यहाँ पे butter नहीं डालते हैं, but I'm assuming salt तो पक्का डालते हैं। This looks more like a coffee than tea, काफ़ी light colored है। एक्चुअली पहले सिप पे मुझे लगा
कि यार ये चाय जैसे तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं कर रहा है, बट सेकेंड सिप में मुझे थोड़ा थोड़ा चाय का टेस्ट आया, बट इट्स वेरी सॉल्टी. मतलब जो प्राइमरी फ्लेवर है वो सॉल्टी है, मिल्क भी काफ़ी कम डाला हुआ है, पानी का प्रोपोर्शन ज़्यादा है. एंड इन्होंने कहा कि इसमें बटर नहीं है, बट इट हैज़ दैट स्मूथ बटरी फ्लेवर. वेरी वेरी डिफरेंट, रिफ्रेशिंग तो पक्का है, बट कोई कोई सिप में ना आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप चाय पी रहे हो, बट इट्स वेरी नाइस. आज की जो लास्ट प्लेस हम आए हैं, एंड ऑल्सो दिस वीडियोज़ लास्ट प्लेस इज़ गोइंग टू बी द कॉफ़ी शॉप. ये मेरी गैंगटॉक की वन ऑफ द फेवरेट ऐसे कैफेज़ है. लास्ट टाइम जब मैं गैंगटॉक आई थी तो मैं 3-4 दिन रही थी, और मैंने यहाँ पे रोज़ आके ब्रेकफास्ट कराया था. यहाँ की कॉफ़ी इतनी अच्छी होती है, यहाँ का इटालियन फूड इज़ अमेजिंग. सो आई हैव ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा एंड आई ऑल्सो ऑर्डर्ड अ मिल्क शेक. जस्ट लुक एट दिस. सो मैंने ऑर्डर किया है ब्लास्ट, विच बेसिकली इज़ चोको फज मिल्क शेक. उसमें कॉफ़ी शॉट भी है एंड आइसक्रीम है. दिस लुक्स सो गुड, लेट्स ट्राई. सबसे पहले मैं ये क्रीम खाती हूँ. वाओ, चॉकलेट ऐसा फज होता है ना, उसका एक अच्छा टेस्ट आ रहा है. देन कॉफ़ी का एकदम स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ रहा है. इनफैक्ट मुझे सबसे ज़्यादा अभी कॉफ़ी का ही टेस्ट आया. वेरी नाइस. द मिल्क शेक ओवरऑल इज स्वीट, बट कॉफ़ी के वजह से उसका स्वीटनेस पूरा टोन डाउन हो जा रहा है. नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर पिज़्ज़ा. आज का दिन हम एंड करने वाले हैं बाय हैविंग सम पिज़्ज़ा. द पिज़्ज़ा लुक्स अमेजिंग, जस्ट लुक एट दिस. सो दिस इज़ अ चिकन मशरूम एंड कॉर्न पिज़्ज़ा. तो इसमें चिकन के पीसेस हैं, देन देयर इज सम मशरूम कॉर्न. दिस इज थिन क्रस्ट, दिस लुक्स अमेजिंग. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चीज़ भी मुझे दिख रहा है. Wow, this is how a perfect pizza should taste like. The base so nicely baked, pizza sauce एक अच्छा tangy flavor ला रही है, then cheese का इतना अच्छा flavor आ रहा है, corns के वजह से हल्का सा sweetness, chicken ऐसे थोड़ा smoky. Toppings थोड़ी और generous होती तो और मज़ा आ जाता. But two things that I absolutely love in this is the pizza sauce. So yummy, and this crust, this is just perfect. बीच बीच में हल्का हल्का ऐसे कॉर्न का टेस्ट आ रहा है. Okay guys, with this we have come to the end of today's video. I hope you guys enjoyed it. Gangtok is one of my favorite cities in India. I love it. It's my second time here and I think I'm going to come for the third time super soon. आप मुझे पता ही आपको ये वीडियो कैसा लगा. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू एंजॉयड वॉचिंग दिस. टुडेज कमेंट शाउट आउट गोज टू ऑल दीज लवली पीपल. थैंक यू सो मच फॉर लीविंग अ कमेंट. एक और चीज़ मैं क्या करने वाली हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में थोड़े और मेरे रिकमेंडेशंस डाल दूंगी, क्योंकि मैंने इतना नॉर्थ इंडियन फूड नहीं दिखाया. सो आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट आई लीव ऑल दोज रिकमेंडेशंस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. एंड दैट्स इट. आई एम गोइंग टू सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन खाओ पियो खुश रहो. बाय. मेरे को म्यूजिक बहुत डिस्टर्ब कर रही है. द बेस्ट पार्ट इज ऑयल बहुत कम है और रिपीट कर रहा है. बस और भेजो ही नहीं. बस करो गिम्बल. हेलो हेलो माइक टेस्ट. हेलो चालू.